नमस्कार, मैं राशि गौर, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड फंक्शुई एक्सपर्ट, सिंप्लीफाइंग वैदिक नॉलेज फॉर यू। आज मैं आपके लिए फिर एक खास टिप लेके आई हूँ ऑन दिवाली एंड हाउ टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अबंडेंस दिस दिवाली इनटू योर हाउस। देखिए, अगर हमने अपने घर में अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है तो उसका एक बहुत सिंपल रूल है, अपने घर को एक बैलेंस स्टेट में लेके आए। और वो बैलेंस स्टेट हम कैसे क्रिएट करते हैं? बाय मेकिंग श्योर दैट ऑल द फाइव एलिमेंट्स, जो पांचों तत्व हैं आपके घर के, वो वेल बैलेंस्ड हो। ठीक इसी तरीके से जब हम अपने शरीर के सातों चक्रों को बैलेंस करते हैं, देन वी रीच अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। करेक्ट, हमारी जब सृष्टि वेल बैलेंस्ड होती है, जब पांचों तत्व सृष्टि में वेल बैलेंस्ड होते हैं, तो वो सृष्टि, वो नेचर भी हमको अबंडेंस लाके देती है। तो ये जो हम बैलेंस स्टेट या बैलेंस तत्वों की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत ही स्पेशल टिप है, और वो ये है कि दिवाली में हम रंगोली बनाते हैं, और वो रंगोली हम बनाते हैं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और वो हमारे घर में आए, और जितनी सुंदर रंगोली हमारे दरवाजे के पास, उतनी ज्यादा माँ लक्ष्मी खुश होंगी। पर जो हम ये रंगोली बना रहे हैं, क्या वो उस जोन के तत्वों को बैलेंस कर रही है? किसी एक जोन में, जैसे आपने नॉर्थ जोन में रंगोली बनाई है, और वो रंगोली अगर उस एलिमेंट के अगेंस्ट जा रही है, तो क्या वो वहां पे एक ब्लॉक्ड एनर्जी नहीं क्रिएट करेगी? सिमिलरली, अगर वहां की रंगोली बनाई हुई उस एलिमेंट को इंक्रीज कर रही है, नॉर्थ से हमें आते हैं वेल्थ मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, और वहां की रंगोली अगर नॉर्थ के इस एलिमेंट को और एनहांस कर रही है, तो लक्ष्मी तो खुद ब खुद आएंगी, क्योंकि आपने ऑटोमेटिकली अपने एनर्जीज को इतने अच्छे से बैलेंस कर दिया है ना। मजेदार बात। सो टेकिंग दिस फॉरवर्ड, आई एम सिंपली गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द कलर एंड द पैटर्न ऑफ रंगोली दैट यू शुड बी मेकिंग इन ईच जोन ऑफ योर हाउस। आठों जोन्स के बारे में बताऊंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, इसका मतलब ये नहीं कि आप और रंग या और पैटर्न्स उस रंगोली में नहीं बना सकते। आप मोर बनाइए, आपको जो भी विजुअल्स क्रिएट करने हैं आप क्रिएट करिए, व्हाट एवर पैटर्न्स यू वांट टू क्रिएट, बट जो वहां का तत्व है उसके हिसाब से जो पैटर्न है, जो शेप है या जो कलर है, वो आपका डोमिनेटिंग पैटर्न या डोमिनेटिंग शेप होना चाहिए। सपोजिंग कहीं का शेप सर्क्युलर है, तो जो आपकी रंगोली का डोमिनेटिंग शेप है वो सर्क्युलर होना चाहिए। बस इतनी सी बात का आपने ध्यान रखना है। एंड यू कैन ऐड मल्टीपल कलर्स एंड यू कैन ऐड मल्टीपल पैटर्न्स, बट थोड़ा सा उनको आप लिमिटेड रखें, और जो वहां का मेन कलर या मेन पैटर्न है उसको आप उभार के लेके आए। लेट इट बी द डोमिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ योर रंगोली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द डायरेक्शन नॉर्थ। तो जब हम रंगोली नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं, तो उसमें सफेद और नीले रंगों का खास ध्यान इस्तेमाल करें। वहां का जो आपका पैटर्न है वो थोड़ा सा वेवी हो, या फिर आप वहां पे सर्कुलर पैटर्न भी बना सकते हैं, गोल्डन कलर भी उसमें डाल सकते हैं, सिल्वर कलर भी उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की रंगोली जब इन कलर्स या इन पैटर्न्स के साथ बनाएंगे, तो आप अपने घर बहुत ढेर सारी वेल्थ मेकिंग अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट करेंगे, और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। फिर हम बात करते हैं ईस्ट एंड साउथ ईस्ट की। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट की जब आप रंगोली बनाएंगे, तो उसका पैटर्न आप रेक्टेंगुलर रखिए। रेक्टेंगुलर के साथ साथ उसमें आप वेवी पैटर्न्स भी रख सकते हैं। जिन रंगों का आप वहां पे इस्तेमाल करें, वो हो हरे रंग का, मेनली द डोमिनेटिंग कलर शुड बी ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन्स कैन बी यूज्ड। उसके अलावा आप थोड़े बहुत अपने कलर्स जो भी उसमें डालना चाहते हैं वो आप डालें, बट योर मेन पैटर्न विल बी ग्रीन एंड योर मेन सॉरी द मेन कलर विल बी ग्रीन एंड मेन पैटर्न विल बी रेक्टेंगुलर। फिर हम बात करते हैं साउथ के बारे में। जब हम साउथ की रंगोली बनाएंगे, तो द मेन पैटर्न वुड बी ट्रायंगल, त्रिकोण, और उसमें आप लाल रंग का, आप हरे रंग का, आप ब्राउन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर देखिए कैसे झट से आपके घर फेम और रिकग्निशन आएगा। जब हम रंगोली बनाते हैं साउथ वेस्ट जोन में, साउथ वेस्ट की जब हम रंगोली बनाते हैं, तो उसमें पीले रंग का खास इस्तेमाल करें। पीले रंग का जब हम इस्तेमाल साउथ वेस्ट में करेंगे, तो एक तो हम राहु के एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, ये साल वैसे भी राहु का है, स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लेके आएंगे, नर्चरिंग एनर्जीज अपने लाइफ में लेके आएंगे। जो वहां का मेन पैटर्न है उसको आप स्क्वायर रखें। स्क्वायर पैटर्न में आप लाल रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल एड टू मोर ऑस्पिशियस एनर्जीज टू द रंगोली इन द साउथ वेस्ट।
नाउ लास्ट इज नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट. जब हम नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की रंगोली बनाएंगे तो उसका जो मेन पैटर्न है दैट शुड बी सर्क्यूलर. सर्क्यूलर के साथ साथ आप वहां पे स्क्वायर पैटर्न भी बना सकते हैं. द कलर्स दैट विल गो वेरी वेल वुड बी व्हाइट. यू कैन इवन एड सम अमाउंट ऑफ नेवी ब्लू बिकॉज वेस्ट इज अ जोन ऑफ शनिदेव. तो थोड़ा सा आप शनिदेव की परसिवियरेंस भी वहां पे एड कर सकते हैं. पीला रंग बहुत अच्छे से जाएगा. गोल्ड एंड सिल्वर विल बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट. इट विल गेट यू द लक ऑफ हेल्पफुल पीपल इन योर लाइफ. इट विल गेट यू मेंटर्स. इट विल गेट यू बिजनेस गेन्स. तो उसके अपने फायदे हैं. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड होप यू गॉट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया एज टू वॉट कलर्स एंड वॉट पैटर्न्स टू यूज. आई विश यू ऑल द बेस्ट. कीप अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ. एंड दो दिस दिवाली इज नॉट एज एक्साइटिंग एज इट शुड हैव बीन, बट इट इज जस्ट अ पासिंग फेज. एंड वॉट एवर लिटिल वे वी कैन एनहांस दैट अबंडेंस एंड दैट health and wealth and good energy, we must continue to do so. Don't forget to wish your family and friends, and don't forget to dress up for Diwali, because remember, Ma Lakshmi ko sundar kapde, saaf safai, thoda sa makeup, thodi si good energy bahut zyada pasand hai. Aap Ma Lakshmi ke liye tayar hoiye, Mahalakshmi zarur aapke ghar aayengi. Until next time.